आप देख रहे हैं अपना समाचार। देखिए एक शारदा सिंह वर्मा जी ने एक मेकओवर ऑर्गेनाइज किया था यहाँ पे, जहाँ पे हम ये लोग जो हैं एक्चुअली इनके साथ रितु जी हैं और नैना जी हैं, जो नॉर्मली आपको मेकओवर करना सिखाएंगे कि आप घर बैठे किस तरह से तैयार हो सकते हैं और किस तरह से अपना मेकअप कर सकते हैं, पार्टी वाला कैसे कर सकते हैं। आज भी जैसे आपने देखा महाराष्ट्र में ब्राइडल तैयार हो रही थी, तो मैं यहाँ पर एज ए गेस्ट इन्वाइट थी और मुझे अच्छा लगता है इस तरह की चीज़ों में भाग लेना, क्योंकि मैं खुद फीमेल हूँ, आई लव टू डू मेकअप, मेकअप करना मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ कि इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं, वो वर्कशॉप्स हैं जो आम जनता के लिए डेफिनेटली जो लोकल महिलाएं हैं उनके लिए ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, कि मुझे लगता है कि उनको एक रोज़गार मिलेगा इस तरह से अपने घर बैठे बैठे हेल्प करना, छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं वो मेकअप से रिलेटेड, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसके साथ जुड़ के। बिल्कुल, ये तो मेरी बड़ी सिस्टर जैसी है, मैं हमेशा इनको इनकरेज करती हूँ और आज इनका पहला वेंचर था। आई थिंक मैं बहुत एक्साइटेड थी कि कैसे करेंगे क्या करेंगे, बट मैं जैसे मैंने एंटर किया तो मैंने देखा कि बहुत अच्छे से इन्होंने हैंडल कर लिया है। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं इनको, अभी इन्होंने वो भी लिया है, डिग्री मिली है इनको ब्यूटिशियन और मेकअप के उसमें, हेयर के उसमें, और मैं बहुत खुश हूँ कि जैसे उन्होंने अपना स्टार्ट इतना बैंग ऑन किया है, ये दिन ब दिन उसी तरह से कीप रॉकिंग रहें, अच्छा काम करें, आगे बढ़े और महिलाओं के लिए बहुत अच्छी एक एग्जांपल सेट करें, मेरी ये शुभकामनाएं हैं इनको। क्या कहना चाहेंगे कि जो नई शुरुआत हुई है, अपने बारे में जी, हम शारदा सिंह और हमने एक छोटा सा वर्कशॉप रखा है यहाँ पर जो मेकओवर पूरा करने सिखाएगा और जो भी इंटरनेशनल मेकअप्स हैं, इंटरनेशनल हेयर्स हैं जो आम महिलाओं तक नहीं पहुँच पाती है, तो उसके लिए हमने एक छोटा सा वर्कशॉप रखा है और ये वर्कशॉप हम कंटिन्यू हर हफ्ते हर महीने जब भी मुझे टाइम मिलेगा हम कंटिन्यू उसको करते रहें। ये वर्कशॉप वैसे 3 दिनों का है और 1 दिन पूरा प्रैक्टिस, और इनको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, सर्टिफाइड कोर्स है ये और पूरे 3 दिन का वर्कशॉप है। ये सर्टिफिकेट आपकी संस्था से कहाँ से है? ये तो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज रहेगी, संस्था भी उसमें कनेक्टेड है और एक हमारी संस्था है महाराष्ट्र ब्यूटी एसोसिएशन करके, तो उसके तरफ से भी ये सर्टिफाइड है। तो आपको सपोर्ट किनका किनका सब ज़्यादा मिल रहा है? सपोर्ट तो सबसे ज़्यादा मुझे अनारा का मिला है और साथ में मेरी बुआ जी हैं बबीता वर्मा उनका, और साथ में और भी 2 लोग हैं रितु काले और नैना, इनका भी मेरा पूरा पूरा सपोर्ट है, और ख़ास करके मेरे भाई का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है करण सिंह प्रिंस का, उसने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है इसमें जी। क्या कहना चाहेंगी मैं बहुत खुश हूँ एक्चुअली इंटरनली बीइंग ए फीमेल, आज सब कुछ है लेकिन औरतों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है आगे बढ़ने की, और ये बहुत इजी सा है, आप सीख सकते हो प्रॉपरली, क्योंकि मेकअप है औरतों को मेकअप करना, हेयर करना बहुत पसंद है, अपना ही बहुत पसंद है, अगर आप थोड़ा सा उसको सीरियसली लें उस चीज़ को, आप सीखें और आगे भी सिखाएँ, तो आपको एक रोज़गार मिलता है, मैं उस पर्पज़ से देखती हूँ इस चीज़ को, तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं बधाई देना चाहती हूँ दीदी को कि इन्होंने स्टार्ट किया है। स्टार्ट करना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, लोग स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं, लोग सोच में ही रह जाते हैं अब करते करते, लेकिन इन्होंने स्टार्ट किया है, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं चाहती हूँ कि इस तरह की वर्कशॉप ये हर महीने करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, और जितनी भी हमारी औरतें हैं, जितनी भी हमारी फीमेल्स हैं, फीमेल्स या मैं तो चाहती हूँ मेल भी, जिनके पास काम नहीं है, जिनके पास रोज़गार नहीं है, वो आएँ और इसको सीखें और आगे बढ़ें। अगर जुड़ने के लिए क्या करना होगा? जुड़ने के लिए एक हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, मैंने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल में डाल रखा है, मैं आज फिर डाल दूंगी, आप उस पर जाइए उसको फॉलो करिए, मैं फेसबुक पे भी डाल दूंगी अनारा गुप्ता ऑफिशियल पर, आप जाइए उस नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए, शारदा सिंह वर्मा जी को कॉल करिए और उसके साथ जुड़िए। तो आप ब्रांड अम्बेसडर भी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं
बिना किसी चीज़ की ब्रांड एम्बेसडर हूँ मतलब मैं घर की हूँ तो इसलिए ब्रांड एम्बेसडर हूँ ही. ऑफकोर्स मैं तो चाहती हूँ कि बहुत आगे बढ़े. बींग ए फीमेल मुझे पता है कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है कि इंडस्ट्री में अपने आप को स्टैंड रखने के लिए. तो मैं चाहती हूँ कि इनकी तरह और भी महिलाएँ जो है वो अपने पैरों पर खड़ी और किसी पर निर्भर ना रहे और इस तरह के जो वर्कशॉप्स हैं ये आपको ट्रेंड करती हैं और आपको एक प्रोत्साहन देती है और कॉन्फिडेंस देती है आगे बढ़ने का. तो इस ऐसी वर्कशॉप्स के साथ जुड़िए. मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिनका कॉन्टैक्ट नंबर जो है मेरी इंस्टाग्राम और फेसबुक प्रोफाइल पे है अनारा गुप्ता ऑफिशियल पे. थैंक यू. नहीं अपने यहाँ की जो बच्चियाँ हैं इन लोगों के लिए एक नया हम लोगों ने दौर लाया है. एक्चुअली क्या है जस्ट बात हुई थी अनारा के साथ में तो अनारा की इच्छा है कि कुछ महिलाओं के लिए आगे करना चाहिए. वैसे भी आपको पता होगा कि हम लोग मिसेस इंडिया का भी चल रहा है महिलाओं के लिए कर रहे हैं. तो हमारी एनजीओ बोलो और हमारा एक महाराष्ट्र ब्यूटी एसोसिएशन है. एक आपको नई चीज़ बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र ब्यूटी एसोसिएशन जो है वो पार्लर की जो लेडीज़ हैं उनका एसोसिएशन बनाया हुआ है. हालांकि बहुत प्रकार के एसोसिएशन रहते हैं लेकिन हम लोगों ने एमबीओ का जो बनाया हुआ उसमें हम लोग पर्टिकुलर महिलाओं को रोज़गार देते हैं. उसमें से हम लोग आज हमारी जो इसमें से ब्यूटिशियन आई हुई हैं इंटरनेशनल हेयर और मेकअप की रितु काले मैडम और नैना चौहान जी हैं जो इन लोगों ने आए हैं और आपके सामने अभी एक महाराष्ट्रियन ब्राइडल तैयार किया हुआ है. और इतने अच्छे तरीके से इनका सिखाने का तौर तरीका था. आप देखेंगे कि बच्चियों को सभी को उनका मेकअप करने का स्टाइल भी पसंद आया. तो ये जो हमारी पहल है ये पहला है. नेक्स्ट टाइम हम लोग और बड़े पैमाने पे और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे. हमारे लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं आया है अभी तक के. हमारे लिए रूल रेगुलेशन नहीं आया. हमारे लिए स्कीम तो बहुत आती है पर रूल रेगुलेशन नहीं आया है. इसलिए हमारे जो सर संस्थापक उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं इनके लिए आया. ठीक है इसलिए उन्होंने यह इसके लिए वो आगे बढ़े हैं और हमारे ब्यूटिशनों को उन्होंने एक छत्र छाया मिलाया है. और अभी तक हमने आधे से ज़्यादा महाराष्ट्र कवर किया है जिसमें हमारे पास 3.5 लाख ब्यूटिशन एकत्रित हैं. और इस तरह हम अभी ऑल इंडिया पे वर्क करना चाह रहे हैं. और हम क्या करते हैं कि जो टेक्निक बहुत महंगी महंगी होती है जैसे देखिए हमें तो बहुत खुशी हो रही है कि हम नागपुर से यहाँ पर सिखाना है जबकि मुंबई के लोग नागपुर दिल्ली इधर जाते हैं. और क्योंकि हम बहुत कम रेट में हम न्यू टेक्निक है जो लोगों तक पहुंचाते हैं. हम वर्कशॉप भी करते हैं हम सेमिनार भी करते हैं और हम साथ में इंटरनेशनल जो आर्टिस्ट है वो भी हमारे साथ काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं और वो आर्टिस्ट जुड़कर यही स्टूडेंट को बहुत कम रेट में सिखाते हैं. हमारा मात्र यही उद्देश्य है कि हम जितना अच्छे से अच्छा इनको प्रोवाइड कर सकें इनका रोज़गार इनको दे सके इनका हक इनको दे सके और सारे लोग खुश रहें और हमारा नाम भी हो और लोगों को पता चले कि एमबीए है एक ऐसा एसोसिएशन जो बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है. नैना जिसको हमने बहुत मतलब ये भी हमारे एमबीए की मेंबर हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छा मेकअप एटलीस्ट ये बहुत फ्री में ही ये वर्कशॉप कर रही है सर. यही सोचेंगे हम क्योंकि आज आर्टिस्ट बहुत लेता है अपना वर्क दिखाए लोगों तक पहुंचाए. और बहुत से ब्यूटिशियन ऐसी है कि अफोर्ड नहीं कर पाते कि हम लोग इतना कॉस्ट पे करके कुछ सीखें. तो हम लोग वही करें कि कम पैसे में इनको अच्छा नॉलेज दें. मेरा नाम नैना. ये वर्कशॉप कहाँ और इसके अलावा कहाँ कहाँ होने वाला है? मेरा तो कंटिन्यू बैक टू बैक मेरा चालू है बट मेरा इंटरनेशनल हेडू हुआ है तो मैं हेडू का करवा रही हूँ. मैम ने आज चांस दिया कि मुझे मेकअप दिखाने का तो मैं बॉम्बे आई हूँ मेकअप दिखाने के लिए. थैंक यू सो मच रितु मैम. थैंक यू सो मच. हमारा सर आप देखेंगे कि हमारा जो ग्रुप है हमारे जो रविंद्र सर जी हैं वो कहाँ कहाँ नहीं पहुँचे हैं. हमारा जो वर्क है गोवा पहुँच चुका है झारखंड पहुँच चुका है चंद्रपुर पहुँच चुका है घुग्गुस पहुँच चुका है ना. और मैं चाहती हूँ अनारा मैम थैंक यू अनारा मैम जिन्होंने हम लोगों को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हमें याद किया और मतलब वो हमारे साथ यहाँ पर आई इतना टाइम निकाला. और हमारे स्टूडेंट भी काफ़ी खुश हैं कि अनारा जैसे सेलिब्रिटी हमारे बीच है. थैंक यू अनारा मैम थैंक यू सर आप लोग आए और धन्यवाद धन्यवाद. ओके थैंक यू. ये नई दुल्हन जो सजा रहे हैं क्या कहना चाहिए कितना जो है अभी और सजाना बाकी है? नहीं ऑलमोस्ट तो हो गया बस एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ हमको इनको मेकअप रेडी करवाने में बिकॉज ये बहुत ज़्यादा आँख से पानी निकल रहा था बट उन्होंने किया अच्छा लगा. थैंक यू सो मच कि हमको कर ही दिया आपने. ऑलमोस्ट कोई रहता है तो बोलते हैं हमारे आँख से पानी गिर रहा है या छुप रहा है तो नहीं करने देते पर इन्होंने कंट्रोल किया और करने दिया. सो थैंक यू. आप अपना नाम बताइए और ये बताइए आप जो है ये जो आज ये वर्कशॉप चल रहा है क्या कहना चाहिए इसके बारे में? मेरा नाम नेहा नरेती है मैं मंडला से हूँ. यहाँ पे मैं अपने बुआ जी के पास रहती हूँ
और जो अब मेरी दीदी है, बुआ जी है, सब अच्छे हैं। दीदी भी हैं, अनारा दीदी भी है, सब लोग अच्छे हैं। तो मैं यहाँ पे रहती हूँ और जो दीदी ने अभी मेकअप किए, बहुत हल्के से मेकअप किए, यानी कि चुभा भी नहीं है ऐसे मेकअप। थैंक यू, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। हाँ, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। थैंक यू, थैंक यू।